ये स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कैप्शंस के बारे में। देखिए, रेफरेंस में कैप्शन होता क्या है? इंसर्ट कैप्शन का मींस होता है, जैसे आपने जो भी चैप्टर बनाया है उसमें आपने इमेजेस वगैरह ली हैं, तो उनको एक नाम देना। जैसे हम जाते हैं इंसर्ट में, देखिए इमेज जो लेनी है आपको, यानी पिक्चर जो इंसर्ट करानी है, वो आप किससे करवाएंगे? इंसर्ट में जाके ही कराएंगे। यहाँ पर जैसे हमने ये इमेज ली है, इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें एडजस्ट लगे। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको साइज दे दिया 3, देन एंटर। तो ये पिक्चर हम यहाँ पर ले आए, इसको रैपिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा हमने अलाइन टू टेक्स्ट कर दिया है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये पिक्चर हमने यहाँ पर ले ली अपने चैप्टर्स में। उसी तरीके से सेकंड पेज में भी आपको इमेजेस वगैरह ले लीजिए। यहाँ पर जाके हमने क्लिक किया, अब जैसे यहाँ पर हमने दिस वन इमेज ले ली, इसका भी साइज छोटा करना है तो आप कर सकते हो। इसको हमने दे दिया 3 साइज ही दे देते हैं, यानी इसको भी हमने रैपिंग कर दिया इस तरीके से। अब इसको हम मूव करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो पिक्चर हमने ली है उसको एक कैप्शन देना, यानी नाम देना। तो हम कहाँ जाएंगे? रेफरेंस पे जाके क्लिक करेंगे, इसमें होता है इंसर्ट कैप्शन। जैसे आप इंसर्ट कैप्शन पे जाके क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है फिगर वन, यानी कि ये जो आपकी पिक्चर है इसका नाम क्या होगा? फिगर वन। उसके बाद होता है आपका, फिर हमने क्लिक किया इंसर्ट कैप्शंस पे, क्लिक किया फिगर टू, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिगर। इस तरीके से आप किसी पिक्चर्स को, जैसे आपने देखा होगा हमारे साइंस की बुक होती है उसमें जितने भी हमारे पिक्चर होते हैं, तो वो डायग्राम के नाम से होती है या फिगर के नाम से होते हैं। मैथ की बुक्स में भी होता है, जैसे जो भी डायग्राम्स होते हैं तो वो डायग्राम के नाम से होते हैं। उसी तरीके से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पर कैप्शन दे सकते हैं। अब जैसे हमें देखना है कि हमने अपनी बुक में कितनी पिक्चर्स का यूज़ कर रखा है, यानी कितनी है, तो हमें एक यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ द फिगर बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो वो आपको बता देगा। क्लिक करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने कर्सर की पोजीशन रखिएगा, इंसर्ट इसमें गए और आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए किस तरीके से आपको चाहिए कैप्शन, और ओके कर दो। तो ये आपको बता देगा पेज नंबर 1 पे आपकी फर्स्ट पिक्चर है, पेज नंबर 2 पे आपकी सेकंड पिक्चर है। उसी तरीके से होता है आपका क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं फिगर 1 पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक फिगर 2 भी ओपन होके आना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पर आके आप फिगर पे क्लिक करना, देन फिगर 2 को यहाँ पर इंसर्ट कराना। तो जैसे आप यहाँ पर कर्सर की पोजीशन लाओगे तो ये कंट्रोल एंड क्लिक टू फॉलो लिंक दिखाता है। तो जैसे आप कंट्रोल एंड क्लिक करते हैं तो ये फिगर 2 को भी खोल के दिखा देता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।